आज मैं आपको फ्रंट स्लिट ओपन कुर्ती बनाना सिखाऊंगी विद चाइनीज कॉलर, जिसमें हम इसको फ्रंट स्लिट को पूरी काट देंगे, टॉप से लेके एंड तक से काटेंगे। अब हम यहाँ पे चाइनीज कॉलर के लिए निशान बनाते हैं, इसका राउंड निशान करते हैं। जैसे कि हम पहले यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन रखेंगे, 3 इंच की अपना ब्रॉड लेंगे 3 इंच का, और यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 2.5 इंच कर देंगे इसकी चौड़ाई को। फिर इसको हम यहाँ से राउंड शेप देंगे, अब इसको कट कर देंगे। दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी जो फ्रंट की लाइन है इसकी, जो इसको हम यहाँ से कट करना शुरू करेंगे, सेंटर पॉइंट से लेके एंड तक हम कट कर देंगे कैंची से। ये देखिए, इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे। अब हमने इसके दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए हैं, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब हम बीच में इसके ब्लू कपड़ा लगाएंगे, ठीक है। हमने जितनी इसकी लंबाई है आपकी फ्रंट स्लिट की, यहाँ से लेके मेन जो हमने नेक काटा है, यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक उतने लंबाई आप कपड़ा काटें। ये वाला ब्लू इंच का कपड़ा है, ये ब्लू कलर का कपड़ा है ये, इसे आप 3 इंच में काटें, 3 इंच का काटें, क्योंकि 1 इंच ये अंदर अंदर जाएगा और 1 इंच बाहर आएगा, ठीक है, थोड़ा टर्न होगा, इसलिए इसको 3 इंच कपड़ा काटें। लंबा लंबा काट दिया इसको। अब हमने ये जितनी हमारी शर्ट की लेंथ है हमने उतनी लंबी ये ब्लू कलर की पट्टी काट ली है, ठीक है। 3 इंच चौड़ी लेंगे और ये हमारी लेंथ है जो 40 लेंथ है। आपकी जो लेंथ होगी आप उसके अकॉर्डिंग लेंथ लोगे, कटिंग करोगे। अब हम इसको बीच में से यूं मोड़ेंगे, ठीक है। इसे आप प्रेस भी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको अपनी कुर्ती के, जो हमारा कुर्ती का ये है बीच वाला हिस्सा, इसे बीच में ऐसे लगाएंगे, ठीक है। पट्टियां काट ली हैं, ठीक है। तो पट्टी काटने का हमने इसको इधर से भी ज्यादा टर्न करना है, इधर से टर्न करना है, फिर इसको ये होके फिर बीच में सेंटर पॉइंट से प्रेस कर देना है, प्रेस से इसको अच्छा बिठा लेना है। फिर उसके बाद इसको इसके नीचे और जो इसका इसका सेंटर है ये वाला, इसके सेंटर को इस तरह से रख के इसके ऊपर हमने सिलाई करते जाना है। नीचे भी देखिए, नीचे भी जो हमने ली है, नीचे भी सिलाई जा रही है, ऊपर भी सिलाई जा रही है, ठीक है, चेक करते रहे। अब इसको पूरे नीचे तक आप सिलाई करते हुए ले आए। अब हमने इसकी पूरी स्लिट को कर दिया है, ऐसे ही हम दूसरी जो हमारी दूसरी है उसको हम करेंगे, दूसरी साइड को करेंगे। अब हमें बीच की दोनों हमने जोड़ लिए हैं, अभी हम बीच की स्लिट लगाएंगे, कपड़ा लगाएंगे इसमें। जिस कपड़े को पहले हमने यूं मोड़ना है, फिर इसको ऐसे करना है कपड़े को कम कम लेके, फिर ऐसे ही इस डायरेक्शन में मोड़ना है। मोड़ लिया, इस मोड़ने के बाद हम इसे यूं करेंगे और फिर जहाँ हमें जितना लंबा गला चाहिए अपना, यहाँ से हम कुछ खुला रखेंगे और निशान लगाने के बाद यहाँ से इस पर सिलाई करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, हमने इस पर सिलाई लगाना, नीचे देखते रहें कि दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कपड़े, मुड़े हुए कपड़े। फिर इसके ऊपर इसको स्लिट को रखें और ये यूं मिलाते हैं, फिर से चेक करें, से यूं घुमाएं और फिर से यूं करें, फिर इसको ऐसे करें कि ठीक है, फिर स्लिट रखें, फिर चलते रहें। ऐसे ही हमने दूसरी वाली जो है, हमने ये इसकी कुर्ती बनाई है, इसका दूसरा हिस्सा भी हमने ऐसे रखना है, उस पर निशान लगाना। लास्ट में ऐसे करेंगे, जो ये लास्ट में कपड़ा रह जाएगा इसको वैसे जैसे कि आपने सबसे ऊपर किया था इधर मोड़ना है और इधर ऐसे मोड़ना है, और बीच में हमने ऐसे कर दिया। अभी मुड़ा हुआ हिस्सा सबसे नीचे आएगा, हमने कुर्ती का कुछ हिस्सा खुला रखना था। हमारी कुर्ती का इतना हिस्सा खुला रहेगा, हमने ये कपड़ा 22 इंच का लिया था, ठीक है, और इतना हिस्सा हमारा खुला हुआ। ऐसे ही हम जो हमारी दूसरी है उसको जोड़ेंगे।
और हमने ये दूसरी हमें दूसरी स्लिट लगा रही है, इसको हमने इसके ऊपर रखना है और इतना हमारा खुला है क्योंकि इतना जितना हम नेक पहनते हैं वो उतना खुला रहना चाहिए। हमने इसके ऊपर रखा और इसको भी ऐसे ही हमने शुरू कर दिया इसको। देखते जाएं नीचे कि ये ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, कहीं बीच में सिलाई लगानी है। ठीक है, ऐसी सिलाई बिल्कुल नीचे तक ले आए, इसे बंद कर देंगे। ठीक है, हमारी ये बंद होने वाली है यहाँ से ये स्लिट। यहाँ पे इसे पक्का कर देंगे। ठीक है, ये फन स्लिट पूरी कंप्लीट हो गई है। इसको हमने जोड़ दिया है आपस में। आपको जितना गला खुला चाहिए आप उतना खुला रखें और यहाँ से लास्ट से भी आपको जितना खुला रखना हो आप उतना ही खुला रखें। ज़्यादा भी रख सकते हैं और थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। अब मैं इसकी बैक कुर्ती का चाइनीज कॉलर का बैक पार्ट है, इसको हम 3 इंच लेंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे सर, और इसको यहाँ से हम हल्की शेप राउंड की देके काट देते हैं। शोल्डर जोड़ रहे हैं, बैक वाला गोल गला हमने काट दिया है 1 इंच। ठीक है, अब हम इसके दोनों बैक शोल्डर कर रहे हैं, कंधी जोड़ रहे हैं। पक्का जरूर करें स्टार्टिंग में और लास्ट में पक्का करें, यहाँ जरूर पक्का करें, ऐसे ही दूसरी लें। अब हम इसका कॉलर नापते हैं, जो चाइनीज कॉलर है, कितना हमें कॉलर चाहिए। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इधर रखेंगे और ऐसे करते करते हम ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, हमें 19 इंच कॉलर चाहिए। हम 19 इंच का कॉलर काटते हैं, 2 इंच की हमने ये 20 इंच की ली है, हमें 19 इंच तैयार करना है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, अब हम 9.5 के निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 9.5, ऊपर से भी 9.5। ठीक है, अब इसको ऐसे राउंड दे देंगे, यहाँ से लाते हुए इसको राउंड कर देंगे। देखिए, ये राउंड हो गया है यहाँ से, इसे आप और शेप दे सकते हैं लेना चाहे तो। यहाँ से कॉलर राउंड हो गया है पूरा, इसे हम कपड़े पे लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, इसे हम कपड़े पे रखते हैं ऐसे, फिर इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे पूरी लंबी। ठीक है, हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये राउंड है इधर से यहाँ से पक्का करते हुए इसकी पूरी शेप के बुकरम के ऊपर नहीं, बुकरम की शेप पे चलेंगे ऐसे। जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हम काट देंगे, ये देखिए यहाँ पे पक्का कर लिया इसको। अब इसकी शेप है कॉलर की राउंड, उस पर जाएंगे ऐसे और इसको पूरी इसकी जो दूसरा इसका राउंड है वहां तक ले आएंगे। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है, इसे हम कटिंग कर देंगे। इसके राउंड को जो है वैसे ही हमने वो किया वैसे कर देंगे, इसको हम यहां से पक्का करेंगे। निकाल दिया,
और जो हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे ऊपर से कट कर देंगे और नीचे वाला सिर्फ जो हमने दबाना है इसे कट कर देंगे। ऊपर से हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, हम इधर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, हमें उतना ही फैब्रिक चाहिए जितना कि हमारा कुर्ती के जो दबाव है उसमें आ सके। यहाँ पे हम जो कॉर्नर पे ये राउंड है यहाँ पे हम हल्का सा नॉचेस दे देंगे इस साइड भी और इस साइड भी नॉचेस दे दिए हमने, ठीक है। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिर्फ हमें इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, हम सिर्फ आधा ही इंच छोड़ेंगे, बाकी हम सारा कट कर देंगे। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है, अंदर की साइड ले गए हैं इसको हम। आप इसे प्रेस से भी बिठा सकते हैं अच्छे से, प्रेस से इसकी अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, हमने इसको इसकी ऐसे रखना है, इस साइड को जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला है, और बिल्कुल कॉर्नर से हमने सिलाई शुरू करनी है। हमने इसके बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर पे हमने मैच कर दिया है, और इसके हमने इस कॉर्नर से सीम शुरू करनी है, ठीक है। इसको उठाते जाएं साइड से, जो ये वाला है, और किसी भी कपड़े को खींचे नहीं, ना ऊपर वाला नीचे वाला, क्योंकि जो गोल गला कटता है ये ऑलरेडी ओरेब हो जाता है कटने के बाद, इसलिए किसी को भी खींचे नहीं। करते आएंगे, ठीक है। पॉइंट पे आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट सीम लगा दी है हमने। अब इसको हमने सारे जो ये है इनको अंदर कर देना है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने, अब ये देखिए अंदर आ गया है, ये राउंड भी हो गया है, सारा कुछ अंदर आ गया है। आपने अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है, यहाँ से सिलाई शुरू करनी है इधर से, और पूरी घुमा के आपने इधर लेके आनी है, इधर इस कॉर्नर से शुरू करनी है, और करते करते फिर इस कॉर्नर से लाके यहाँ पे एंड करनी है। हमें सिलाई करनी है यहाँ से, हमने इसकी बाहर की सिलाई कर दी है। अब हमने जो इसकी अंदर की सिलाई करनी, जितने भी ये स्टिचेस नजर, ये जो नजर आ रहा है कपड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हमने अंदर करना है, और इसके अंदर हमने सिलाई यहाँ से पूरा अंदर करना है, और उसके ऊपर हमने सिलाई ऐसे लगानी है, और इसके ऊपर सिलाई लगाने चल रही है। मैंने आपकी ये चाइनीज कॉलर की कुर्ती तैयार कर दी है, इसकी स्लिप मैंने यहाँ से ओपन रखी है, आपको जितनी चाहिए आप ओपन कर सकते हो, लास्ट की जो ये कुर्ती है, और जितना गला आपको चाहिए आप यहाँ से उतना गला ओपन कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।